लड़के आपस में जब कभी भी मिलते हैं ना तो घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते हैं, समय नहीं देखते हैं। दिन हो रहा है, रात हो रही है, आधी रात हो रही है। कई बार उनका यह घूमना फिरना नाइट आउट ट्रिप या नाइट आउट पार्टी का रूप ले लेता है, और कई बार ये सिंपल नाइट आउट ट्रिप नहीं रहती है, ये भूतिया नाइट आउट ट्रिप में तब्दील हो जाती है। कई बार उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती है और उसमें भूतिया का अटैक लग जाता है। आज भी एक ऐसी ही घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये घटना लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ घटी एक नाइट आउट ट्रिप के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में, और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो इस गांव में तीन पक्की वाली दोस्त रहती थी, एक ही स्कूल में पढ़ाई करती थी। एक का नाम था रेशमा, एक का नाम था वर्तिका और एक का नाम था अमृता। अपने स्कूल में ये केवल तीनों की दोस्ती नहीं थी, बल्कि इनके ग्रुप में और भी लड़कियां थी, लेकिन ये तीन पक्की वाली थी। और भी लड़कियां थी तो ये लोग ना हमेशा रात में खाना वाना खाने के बाद अपने घर से बाहर घूमने फिरने निकल जाया करते थे। और पूरी लड़कियां, नौ लड़कियों का ग्रुप था, अपने घर पे यही बहाना देती थी कि हम ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, इसके घर उसी घर। ग्रुप स्टडी दे दे के बोर हो गए तो बोल दिए कि हमको होमवर्क मिला है, तो कभी बोल दिए कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और इनके घर वाले भी इनको परमिशन दे देते थे कि लड़कियां बड़ी हो गई है, ऐसे फालतू झूठ तो बोलेंगी नहीं, क्लास 12th में पढ़ती हैं। अब इस ग्रुप में ना, जो खास मैंने तीन लड़कियां बोला था, रेशमा, वर्तिका और अमृता, इसमें से जो रेशमा थी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर नहीं रहती थी, ये अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पर रहती थी। इसके परिवार के जो और भी सदस्य थे वो टिपिकल पहाड़ी इलाके में रहते थे और एक बहुत छोटा उनका गांव था। वहाँ पे स्कूल वगैरह की सुविधा नहीं थी, इसलिए अपने भाई के साथ यहाँ पर सेटल हो गई थी कि मैं भी स्कूल जाऊँगी, भाई भी स्कूल जाएगा, हमारी पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट होगी। और वो एक किराए के घर पर रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लड़कियाँ थी वो सब अपने घर पे बहाना देती थी कि हम रेशमा के घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लड़कियाँ थोड़ी घूमती फिरती थी, अपने गांव में टहल रही हैं, ठीक है, एक हद तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन की बात है, ये लोग अपने स्कूल से ऐसी छुट्टी लिए और इन लोगों ने इस फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाने के सोचे। गलत फ़ायदा कुछ इस तरीके से कि इन लोगों ने प्लान बनाया कि यार अपने घर वालों तो कभी भी अपने को ऐसा फोर्स नहीं करते हैं कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, अपन एक काम करते हैं, अपन पूरी रात बाहर रहते हैं। लड़के लोग कैसे ना जब चाहे तब अपना इन्जॉयमेंट कहीं पर भी कर लेते, अपन भी करते हैं, कितना मज़ा आएगा। सबकी सब लड़कियाँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, पूरी रात कहीं बाहर बिताते, टेंट वेंट लगा कर रहते हैं, फुल मज़े करेंगे। लेकिन इतने में ही इस ग्रुप की एक लड़की कहती है, जिसका नाम अमृता था, कि यार ऐसा टेंट वेंट लगा कर रह के कोई फ़ायदा नहीं है, अपने गांव के थोड़े बाहरी इलाके में ना एक जो पुराना सा स्कूल है जो काफ़ी समय से बंद है, उस स्कूल के थोड़े सामने की तरफ एक बहुत ही पुराना अबंडेंड घर है। एक ऐसा घर है जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। रात के समय लोगों का मानना है कि वहाँ पर अजीबोगरीब एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। हम उस घर में चलते हैं, उस घर की तहकीकात करते हैं और एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि कौन उस घर में पूरी रात बिता सकता है। जिसने भी हम में से पूरी रात बिता ली वो हमारे ग्रुप की शेरनी, अगली बार से उसकी सारी बातें ग्रुप की सारी लड़कियाँ मानेंगी। तो अमृता की ये बातें सुनकर सभी लड़कियाँ क्या बोल देती कि नहीं नहीं हम तो नहीं आ रहे, हम तो नहीं आ रहे, सब बहाना देती। अब बची सिर्फ ये तीन वापस से, अमृता, वर्तिका और रेशमा। जैसे कि मैंने बताया तीनों की पक्की दोस्ती थी और ये आइडा अमृता का था, तो दोनों ने हामी भर दी, बोले कि ठीक है इन लोगों को मत जान दो, ये लोग पलट गए, अपन लोग चल के इन्जॉय करेंगे। इन लोग घर पर पहुँचे, घर पर खाना वाना खाए और फिर से आज बोले कि हमको एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट कम्प्लीट करना है और हम रेशमा के घर पर जा रहे हैं। रेशमा ने भी अपने भाई को एक बहाना दे दी कि मैं इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ। ठीक है, रात में ठीक 12:30 बजे के आसपास ये लोग एक डिसाइड की हुई लोकेशन पे मिलते हैं, वहाँ से ये लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो वाला स्कूल आ गया जो काफ़ी समय से बंद है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है वो घर कहाँ है, झाड़ियों के पीछे छिप चुका था, वहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे लग चुके थे बड़े बड़े, वो बिल्डिंग इतनी आसानी से इनको दिखाई नहीं दी क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है और यहाँ पर रेगुलरली कोई आता जाता तो है नहीं कि इनको मालूम रहेगा। ये लोग तो इनफैक्ट और देखा जाए तो लाइफ में अपने सेंसेस में पहली बार यहाँ पर आ रहे होंगे। दिखाई दे दिया वो घर, अब घर के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं,
अजीबो गरीब यहाँ पे पक्षी बैठे हुए हैं जो शायद रात में ही घूमते फिरते होंगे। इन लोगों ने तो आज तक सिर्फ चमगादड़ का ही नाम सुने थे रात के नाम पे। एक दो चीज़ें और दिखाई दे रही थी, सांप भी कोने में दिखाई दे रहे थे। मतलब बड़ा ही क्रीपी सा माहौल था इस घर के अंदर। हालत कुछ ऐसी थी कि कोई सदियों से इसके अंदर एक झाड़ू कटका भी नहीं मारा होगा। ये लोग अपने मोबाइल से फ़ोटोज़ खींचते खींचते ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए। फर्स्ट फ्लोर में पहुंचने के बाद ये लोग इधर उधर चीज़ों को देख ही रहे थे। वहाँ पे एंटिक चीज़ें कुछ रखी हुई थी, पता नहीं कौन से ज़माने की थी लेकिन एंटिक चीज़ें थी। सब सामान को उठा उठा के देख ही रहे हैं कि इतने में रेशमा के पीछे से आवाज़ आती है, अरे वर्तिका अमृता ये देखो मुझे क्या मिला। दोनों पलट कर देखते हैं, क्या बातें हैं, ये एक बोर्ड था, टूटा हुआ सा बोर्ड। ये बोर्ड कहीं तो भी देखा देखा लग रहा था। दरअसल ये तीनों ग्रुप की जो लड़कियां थी ना वो हॉलीवुड के फिल्म देखती थी, तो ये समझ गए देख के कि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसकी मदद से आत्माओं को अपने पास बुलाया जाता है। ये घटना अभी से 8 साल पहले की है। अभी के टाइम किसी के साथ हो तो कोई भी इजीली समझ जाए वीजी बोर्ड को देख के कि ये वीजी बोर्ड है, लेकिन 8 साल पहले यूट्यूब वगैरह में इसका इतना जिक्र नहीं होता था, इसलिए ये देख के नहीं समझ पाए क्या है। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का अंदाज़ा मिल गया कि हाँ इससे भूत प्रेतों को बुलाया जाता है। तो हंसते हुए, पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन हो रहा था अपनी रेशमा को, हंसते हुए बोलते ये तो मैं पक्का अपने साथ अपने घर पर लेकर जाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा, इसे मैं संभाल कर अपने पास रखूंगी। तो वर्तिका अमृता भी रेशमा को देखकर हैरान हो रही कि इसको इतना अच्छा क्या लग गया इसमें, ठीक है हमने फिल्मों में देखे हैं सचमुच में थोड़ी कुछ होता होगा, इससे भूत भात थोड़ी आते होंगे, छोड़ो अगर इसका मन है तो इसको रखने देते हैं। वो अपना बैग खोलती है और वो बोर्ड को बैग में डाल लेती है। थोड़ी देर ये तीनों यहाँ पर घूमते हैं और इनको कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं होती है। सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ भी भूतिया नहीं है, लोग फालतू बातें करते हैं, इनफैक्ट जब से हम अंदर आए हैं तब से मच्छर काटे जा रहे हैं, कोई भूत प्रेत से मरे ना मरे मलेरिया से मर जाएंगे, यहाँ से अब निकलते हैं यार कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मच्छरों के अलावा कुछ नहीं है। ये तीनों लड़कियाँ वहाँ से निकल कर लिटरली इनको किसी भी चीज़ का कोई आभास नहीं हुआ। ये निकल कर सब अपने अपने घर में चले गए, अपने अपने घर में जाके बोले कि हो गए हमारा असाइनमेंट कंप्लीट, सोचे वहाँ पे रुक के क्या करेंगे, वहाँ पे भी सबको सोने में प्रॉब्लम होती है। अपने अपने घर आ गए, इनकी ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल हो गई। एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल चलते रहा, 8वें दिन रेशमा स्कूल नहीं आई, ठीक है 9वें दिन भी नहीं, 10वें दिन भी नहीं, ऐसा करते करते 7 दिन निकल गए रेशमा स्कूल नहीं आई है। तो इस बात की चिंता थोड़ी सी अपनी वर्तिका और अमृता को हुई कि रेशमा अभी तक तो सब नॉर्मल तरीके से स्कूल आ रही थी, अब क्या हो गया। ये लोग प्लान बनाते हैं कि आज स्कूल से छुट्टी होने के बाद रेशमा के घर पर चलते हैं और पता करते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये दोनों लड़कियां रेशमा के घर पहुंचती हैं डायरेक्टली अपने घर गए बिना, तो वहां देखती हैं कि इसका भाई सामने वाले कमरे में है, लेटा लेटा अपना पढ़ाई कर रहा है, और बहन अंदर वाले कमरे में है। शायद भाई से पहले पूछी रेशमा का है, भाई बोलता अंदर जाओ मिल लो। जाती हैं रेशमा के पास और देखती हैं तो रेशमा पूरी तरीके से नॉर्मल है, लेट के अपने मोबाइल में टाइम पास कर रही है। ये कैसे हो सकता है, हमने सोचे थे तबीयत ख़राब हो गई, रेशमा तो स्कूल क्यों नहीं आ रही है, 7 दिन हो गए। रेशमा बोलती है पता नहीं यार बहुत आलस आता है, बिल्कुल मन नहीं करता है, ऐसा लगता है घर पे ही रहो, मोबाइल चलाती रहती हूँ, कभी कुछ देख ली टीवी में, बस इससे ज़्यादा कुछ मन नहीं करता है। ये सोचते हैं कि अजीब है यार, ठीक है चल कोई बात नहीं, हमने सोचे कि हालचाल पूछ लेते हैं, जब मन करेगा स्कूल आ जाना, टीचर से बात कर लेना वरना प्रॉब्लम होगी नंबर नंबर मिलने में। बोलती हाँ मैं देख लूँगी, तुम लोग जाओ। ये सोचते कि ऐसा क्यों बोल रहे कि तुम लोग जाओ, हमेशा तो बोलती थी कि तुम लोग रुको, ठीक है हम लोग जाते हैं बोल के लोग निकले बाहर। भाई भी ये दोनों लड़कियों को बाय बोलने के लिए आया रेशमा का, तो अमृता ने पूछ ही ली रेशमा के भाई से, यार रेशमा ठीक है कि नहीं, इतने दिन से वो स्कूल नहीं आई है, उस घर पे रहते रहते बोर नहीं होती है, करती क्या है घर पे वो। तो उसका भाई बोलता है कि वो दिन में तो कुछ नहीं करती है, नॉर्मल रहती है, लेकिन रात में अजीबोगरीब हरकत करती है, इसलिए शायद वो सुबह स्कूल नहीं जाती। तो तुरंत ही अमृता पूछती कि ऐसी कौन सी हरकत, तो भाई बताता है कि रोज़ रात में उसे कमरे से मंत्र पढ़ने की आवाज़ें सुनाई देती है, अलग अलग प्रकार के मंत्र, ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़बड़ा रही है, जल्दी 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 बोल रही है, कभी कभी उसकी खुद की आवाज़ आती है, तो कभी कभी एक मैच्योर्ड लेडी की, तो कभी कभी किसी आदमी की आवाज़ भी सुनाई देती है।
जबकि उसके कमरे में तो कोई दूसरा खिड़की दरवाज़ा है नहीं, एक ही दरवाज़ा है जो कि मेरे कमरे से होते हुए जाता है। तो उसके कमरे में कोई आता कैसे है मुझे समझ में नहीं आता है। कोई तो रहता है और कुछ कुछ बड़बड़ाता है और वह अजीब सी हिलती रहती है, वियर्ड सी एक्टिविटी करती है। एक दिन जाकर मैंने पूछा भी, दीदी ठीक तो है ना, क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रही है? तो मुझे बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोली, क्या दिन भर दीदी दीदी करते रहता है, दिमाग खराब मत किया कर, दिमाग खा के बैठेगा क्या मेरा, जा जाके सो जा चुपचाप से, मुझे अपना काम करने दे। ऐसा बोल के आई और मुझे बहुत ज़ोर के धक्का मारी, मैं मुँह के बल गिरा उसके सामने और फिर भी मुझे उठाने नहीं आई और झटके में दरवाज़ा बंद करी और फिर अंदर जाके तुरंत ही कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी। मुझे बड़ा वियर्ड लगती उनकी एक्टिविटी, पूरी रात उनका यह चलता है और सुबह शायद वो सोती है और दोपहर में उठती है, अभी आपके आने से ही पहले थोड़ी देर पहले उठी। तो ये बात सुन के ना अपनी जो वर्तिका है उसको लगा मजाक। वर्तिका ने बोली, कुछ नहीं है, उसका भाई बड़ा मस्ती करता है, वो अपन को बना रहा है, ऐसे ही उसका मन कर रहा होगा। क्योंकि उसके भाई को ये लोग काफ़ी कम उम्र से जानते थे और उनको मालूम था कि रेशमा के भाई का नेचर कैसा है। वो थोड़ा मजाकिया तो था, लेकिन यहाँ पर वो मजाक कर रहा था कि नहीं कर रहा था इस बात की तो पुष्टि क्लियर थी नहीं, लेकिन फिर भी वर्तिका ने उसकी बातों को मजाक ही समझी और बोली, मैं तो निकलती हूँ, इसमें रेशमा ही सच होगी, तू भी निकल जा। अब अमृता भी अपने घर की तरफ निकल गई, लेकिन अमृता पूरे टाइम सोचती रही कि भाई इतना बनावटी तो नहीं बोलेगा, उसके बात के पीछे कोई ना कोई तो सच्चाई हो सकती है, आज नहीं तो कल रात में मैं ज़रूर उसके घर जाती हूँ और देखती हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। घर पे तो अपने इजीली बहाना दे सकती हूँ कि रेशमा के घर जा रही हूँ आज पढ़ाई वढ़ाई के लिए, घर वाले रोकते हैं नहीं, देखती हूँ जाती हूँ। अब भाई होता बिल्कुल ऐसा ही है, अगले दिन का स्कूल जाती है और फिर रात में मतलब स्कूल से लौटते लौटते इसने ना रेशमा के घर पे रुक के रेशमा के भाई को बोल दी थी कि आज रात में मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ और ये बात रेशमा को मत बताना, मैं डायरेक्टली आ जाऊँगी और तेरे रूम में रहूँगी। उसने बोला ठीक है भाई आ जाना। रात का समय हुआ, खाना वाना खाई और ये 11:30 बजे के आसपास इसे घर पर पहुँच गई। उसका भाई एकदम हड़बड़ाया हुआ बैठा था, दीदी मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, अच्छा हुआ आ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही रेशमा दीदी कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी है, अभी आप थोड़ी देर और वेट करो, अभी फ़िलहाल तो दे नहीं रही है, लेकिन 1 बजे से आप देखना खाली क्या सीन होता है हमारे घर पे। उसने बोली ठीक है मैं यहीं पर बैठती हूँ। उसने कुछ अपनी बुक्स वगैरह ले आई थी और वहीं पर बैठे बैठे रेशमा के भाई के कमरे में बैठे बैठे थोड़ा टाइम पास कर रही है। ठीक 1 बजे पहले तो कुछ शोर से पटकने की आवाज़ सुनी थी, फाट से करके किसी ने कुछ पटका रेशमा के कमरे से, फिर कुछ कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और जब कान लगा के अमृता ने बहुत क्लियर सुनने की कोशिश करी है ना, तो लिटरली अंदर से रेशमा एक अलग संस्कृत बहुत अच्छे से मालूम थी, किसको, अपनी अमृता को, संस्कृत के बारे में नॉलेज था, तो ये संस्कृत में कुछ नहीं बोल रही है, ये कोई मंत्र नहीं है इतना ये समझ गई है, ये कुछ तो भी ऐसा बोलने वाली चीज़ है जो बोल रही है और एक अलग लैंग्वेज में बोल रही है। ये चीज़ बड़ी हिलाकर रख दी अपनी इसको अमृता को, क्योंकि अमृता को मालूम था कि रेशमा कभी भी हिमाचल प्रदेश से एक दूसरे प्रदेश में भी कदम नहीं रखी है, तो ये दूसरी लैंग्वेज कैसे बोल सकती है इतनी फ्रिक्वेंटली, इतनी ज़्यादा फास्ट। बोली कि यार यहाँ पे तो पक्का कुछ गड़बड़ है, सुनना तेरे घर के आसपास कोई अंकल जी रहते हैं ज़्यादा उम्र के जो तुम लोगों को समझते हो, तो छोटा भाई बताता है कि बाजू वाली अंकल जी हैं, वो कई बार हमारी बहुत सारी चीज़ों में मदद किए हैं और वो हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। इसने इतना सुनी और तुरंत ही बाजू वाले अंकल जी के घर पर चली गई, दरवाज़ा खटखटाई ज़ोर ज़ोर से, अंकल जी की वाइफ ने दरवाज़ा खोली, ये बोलती है कि मैं बाजू में जो लड़की रहती है रेशमा उसकी फ्रेंड हूँ, आप प्लीज़ अंकल जी को बुला दीजिए, रेशमा को मदद की ज़रूरत है। तो अंकल जी की वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि अरे क्या हो गया, वो तो हमारी बच्ची की जैसी है, सब ठीक है कि नहीं। तो इसने बोली आंटी जी आप घर पर रहिए, अंकल जी आप चलिए। अब अंकल जी वो घर पे लाते लाते इसने सारी बात बता दी और बोली अंकल जी अब डायरेक्टली दरवाज़ा तोड़ के उसे कमरे पे घुस जाइए, बाकी अपन आगे देख लेंगे जैसा भी होता है, अभी फ़िलहाल देखना है कि वो कर क्या रही है, क्यों कर रही है, उसका भाई रोज़ डर रहा है। अंकल जी ने बोले ठीक है बेटा, 1-2 बार गए दरवाज़ा खटखटा है, अब नहीं खोले तो फट से दरवाज़ा तोड़ दी, थोड़ा पुराना दरवाज़ा था तो फट से फूट भी गया। अब जैसे दरवाज़ा टूट के ये लोग अंदर घुसे ना, तो अंदर क्या देखते हैं कि ज़मीन में बैठी हुई है रेशमा, पूरे बाल खोली हुई है, वही वीजी बोर्ड जो उसे वहाँ से मिला था, ये लोग जो घूमने के लिए अबंडेंट हाउस में गए हुए थे उसको सामने रखी हुई है, ऐसा सिर हिलाते हिलाते अलग सी लैंग्वेज में कुछ तो भी बोल रही है, अलग ही लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज तो अंकल जी ने भी ज़िंदगी में कभी सुने नहीं थे।
अंकल जी भी इसकी इस हरकत को देखकर घबरा गए। पीछे से ही खड़े होकर आवाज़ लगाए, रेशमा रेशमा बेटा तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रेशमा तो 1% का भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जैसे कि मानो उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है, वो सिर्फ ऐसा कर रही है। अंकल जी ने इसके भाई को ही बोले, बेटा तू ही जा एक बार देख। ये हिम्मत करते करते बोला, दीदी होश में आओ, ठीक हो कि नहीं? उठ जाओ दीदी, ऐसा क्यों हिल रही हो? तो ऐसा घुमा के फट से अपने भाई को यहाँ पे मारी, तो उसका दांत उसकी जीभ से टकरा गया, उसके मुंह से खून वो आने लगा। तो ये देखकर, इस नज़ारे को देखकर अमृता बहुत ज़्यादा डर गई कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की ये कंडीशन हुई तो हुई कैसे, ये ऐसा क्यों कर रही है? और क्योंकि वो देखते देखते ना अपना सिर भी धीरे धीरे करके ऐसे दीवार में ही मार रही थी, तो उसको यहाँ पे चोट भी आ रही थी। इसने तुरंत अंकल जी से बोले, अंकल जी कैसे भी करके इसकी मदद करो, इसको कहीं लेकर चलो। अंकल जी ने बोले, मैं अब भी आया। अंकल जी गए 5 मिनट बाद अपने कुछ 2-4 लोगों को लेके आए, मोहल्ले वालों को, अपनी कार लेकर आए, जैसे तैसे करके पूरी ताकत पकड़ के इसको कार में बैठाए हैं और हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया और वहीं पर अंकल जी बोलते हैं कि हॉस्पिटल इसको लाने का मकसद यही था कि इसकी बॉडी पहले कंट्रोल हो जाए। इसके शरीर में पक्का किसी आत्मा का वास हो चुका है, किसी तांत्रिक अघोरी या किसी पुजारी के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो फाइनली एक तांत्रिक बाबा के बारे में जानकारी मिलती है और इस सब की सब वहाँ पर बाबा जी के पास पहुँचते हैं और बाबा जी ने डिटेल में फिर बताया, अपनी आँख बंद करके अपनी समझ लो दिव्य आँखों की मदद से देखकर बताया कि ये लड़कियाँ कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। उस जगह का इतिहास कुछ ऐसा था कि वहाँ पर एक आदमी, एक औरत और उनकी बच्ची रहती थी। आदमी का ऐसा था कि अक्सर वो अपनी पत्नी से और बच्ची से लड़ाई मारपीट करता रहता था, समय समय पर उन लोगों को मतलब ऐसा कंडीशन में लाकर रख देता था कि उनके पास खाने को 2 निवारे तक भी ठीक नहीं रहे। उसको ये काम करने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन उस आदमी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद से उसकी पत्नी तो बहुत टूटी हुई थी पहले से, वो और भी ज़्यादा टूट गई। उसका पति जैसा भी था उसको अच्छा लगता था भाई, अभी अपन क्या बोल सकते हैं। पति की मृत्यु के बाद पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन में चली गई, खाना वाना खाना छोड़ दी और कुछ समय बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। फिर घर पे बची एकमात्र कम उम्र की लड़की, जो कि ठीक 1 हफ्ते बाद खुद को खुश कर ली थी इसी घर में। तो उसके बाद से ही उस घर में आत्माएं भटकने लगी, वो तीनों की भी और कई सारी। और ये लड़की, मतलब तांत्रिक बाबा बता रहे, ये लड़की उसी घर में गई थी और उस घर की चीज़ों को छेड़खानी करी थी। तो उनमें से किसी की आत्मा इस लड़की के अंदर लगकर आ गई है। इसीलिए ना ही कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए और ना ही किसी चीज़ों से छेड़खानी करना चाहिए। और वैसे भी लड़कियों को ऐसे बाहर जाना भी नहीं चाहिए अकेले रात के टाइम में। हाँ। जैसा सिचुएशन चल रहा है वो तो शैतानी शक्ति थी जिसकी वजह से शायद ये लड़की बच गई। हाँ, वो शैतानी शक्ति थी, इसलिए तो तांत्रिक बाबा ने वहाँ पर सही समय पे आ गए थे ना। हाँ। तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रोच्चारण की मदद से, शक्तियों की मदद से वो प्रेत आत्मा उसके शरीर से निकाल फेंकी और वो स्वस्थ हो गई। सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा थी, भूत थी, इसलिए अगर वो इंसान होती तो क्या भाई बच पाती क्या? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमृता ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताई। हमने सोचे आप लोगों को सुनाए, एक बहुत अच्छी सीख भी मिल जाएगी, एक अलग सा मनोरंजन भी है कि नहीं। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो का लाभ के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।